सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं बहुत ही कमाल के लाइटरूम प्रीसेट। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी कमाल के लाइटरूम प्रीसेट आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को भाई एक जी फाइल पर पासवर्ड मिलेगा। तो पासवर्ड के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप लोग को पासवर्ड नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लिक में मेरी फ़ोटो एडिट हो पा रही है। तो ऐसे आप लोग कर ले रहे हैं। और आप लोग को जी फाइल को ओपन किस तरह करना है, अगर आप लोग को पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जी फाइल को ओपन किस तरह करना है। तो आप लोग को एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग को ये वाली फोल्डर फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और जिनके मतलब फ़ोन से हो जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं मतलब बिना अप्लीकेशन के। तो वो भी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि वो भी मतलब किस तरह करना है, और आप लोग को मतलब एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो जिनको पता होगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को बाकी होगा, मतलब कोई नहीं जानता होगा, आप लोग सारे लोग जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेपी फाइल्स था तो मैं एक एक क्लिक में ओपन कर लिया हूँ। तो ओपन करने के बाद आप लोग को पासवर्ड के लिए जैसे यहाँ पर मैं एक पे क्लिक करता हूँ और इसको अनजिप करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड पूछने लगा। तो आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पे जो भी आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड डाल देना है। और पासवर्ड डाल देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब जी फाइल जो भी मतलब प्रीसेट होगा वो सारा प्रीसेट आप लोग को यहाँ पर खुलकर मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें पासवर्ड इंटर कर देंगे और पासवर्ड इंटर करने के बाद से आप लोग को मतलब यहाँ पे ओके का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट मतलब बता रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड मतलब सही नहीं है, उसीलिए यहाँ पे इस तरह से बता रहा है। तो आप लोग को ये सब कर लेना है। और इतना कर लेने के बाद आप लोग को मैं बता दूँ, जिनके मतलब फ़ोन से हो जा रही हो मतलब फ़ोन से करने वाले हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ पर अपने फ़ाइल को ओपन करना है और जहाँ भी मतलब फ़ाइल रखे होंगे डाउनलोड करने के बाद से वहाँ पे चले आना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से रिपीट मतलब रिपीट करने के लिए बोल रहा है, तो मेरा ऑलरेडी खुला है उसीलिए यहाँ पे रिपीट करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को ऐसे ही एक पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड ऐसे मतलब इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद से यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को मतलब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आप लोग को जैसे आप लोग फ़ोटो को ऐड करते हैं आप लोग को वैसे फ़ोटो को मतलब प्रीसेट को ऐड कर लेना है और एक अपने नॉर्मल पिक को ऐड कर लेना है। और मैं आप लोग को बता दूं कि एक एक क्लिक में मतलब फ़ोटो तो एडिट करना आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के मतलब आप लोग एक ही प्रीसेट से तीन चार कलर बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो पहले से मतलब प्रीसेट लोड हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोगों को ऐसे कॉपी सेटिंग कर लेना है। और कॉपी सेटिंग करने के बाद से आप लोग जिस भी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं उस वाले फ़ोटो को ले लेना है। और यहाँ पर मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट सेटिंग करता हूँ अब हमारी फ़ोटो देखिए कितनी कमाल की दिख रही है। और मेरा मतलब शर्ट देखिए कौन सी कलर थी और कौन सी कलर हो गई थी, इसको मतलब ये चेंज करना चाहते हैं क्योंकि मेरा मतलब फ़ोटो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पे चले आऊँगा और इसको पूरा सेचुरेशन माइनस करूँगा। तो आप लोगों सारा सेचुरेशन माइनस कर देंगे तो अब हमारी शर्ट की कलर देखिए कितनी कमाल की दिख रही है। तो ऐसे कर लेना है और जैसे आप लोग ऐसे करेंगे कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखने लगेगी। उसके बाद से यहाँ पे फेस पे कलर देखिए मतलब फेस पे लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा। आप लोगों यहाँ पे सेटिंग देख लेना है, आप लोगों को कम कर लेना है, उसके बाद से फेस पे से लाइट हट जाएगी। और इतना कर लेने के बाद से आप लोगों को कलर भी मतलब कलर मतलब कई मतलब कोई कलर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोगों दूसरा कलर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों इसको मतलब ह्यू को माइनस कर देना है, सेचुरेशन को भी माइनस कर देना है। और उसके बाद इसका भी सेचुरेशन ह्यू माइनस करना है, सेचुरेशन प्लस में कर देंगे। तो अब हमारी देखिए एक कलर और रेडी हो गई। तो ऐसे आप लोग कर लेना है। और इसमें भी आप लोग पसंद नहीं आ रहा तो ब्लैक करना चाहते हैं तो आप लोग को दोनों का सेचुरेशन माइनस कर देना है। अब हमारी देखिए एक कलर और रेडी हो गई और उसके बाद से आप लोग को इसको ह्यू को पूरा प्लस कर देना है और सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखिए एक कलर और रेडी हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग को कर लेना है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और फ्री एडिटिंग के लिए वहाँ पर आप लोग डीएम कर सकते हैं।